दोबारा बोलो। किशन सुतार। सुन लेना। आपका? मेरा मनोज कुमार। मनोज कुमार, सुनने वाले देखने वाले ध्यान से सुनना। अभी क्या पूछ रहे थे आप मुझे? जी हम वो जो मक्का मदीना जा रहे हैं अपने केरला से भाई, उनको देखने के लिए यहाँ पहुँचे, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर से। हे एवरीवन, इट्स जेकब बॉय, मिस्टर गफ्फार खान, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल। नए राउंड से आपका आपके गफ्फार व्लॉग्स में स्वागत है। तो अभी हम निकल चुके हैं, शहाब भाई निकल चुके हैं, तो हमारे बाबा जी भी निकल चुके हैं। बाबा जी तैयारी है? तैयारी है। वो टक्कर का क्या डायलॉग है? ओ है कोई माई का लाल तो शक्कर से टक्कर। हाँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हाँ। जैसे आप बोलते हो, पावर कहाँ गई आपकी? अच्छा वैसा बोलना है क्या? हाँ। अरे है कोई माई का लाल तो मुझे शक्कर से टक्कर ले। हाँ। हिंदुस्तान को बोला मैंने। हाँ कोई नहीं, अभी तक कोई टक्कर में नहीं है। बाबा जी मिले हैं तो ले चलूंगा मैं। हाँ बाबा जी मिले क्या? चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो अभी शिहाब भाई निकल चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद पहली दरगाह, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो लोग बोले थे फोटो देना है, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये है हिंदुस्तान की पहली मस्जिद जो हजरत मोहम्मद के सामने जिंदा थे तब उसमें तामीर की गई। केरला में? हाँ केरला में। और उसके बाद ये सेकंड पोजीशन ये था, अभी ऐसी है, अभी ऐसी है। वो बाबा जी आ गए, वो टक्कर के, आपके टक्कर के बाबा जी आ गए। बाबा ने कहा था है कोई शक्कर में टक्कर, शक्कर में टक्कर कई लोगों ने बोला है। रुको रुको बाबा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई नौजवान बंदा नहीं है, लेकिन आपकी एज 58 है ना? 58। तो ये बाबा जी की एज 70 साल है, लेकिन ये टक्कर में आ गए। मैं टक्कर नहीं लेते, लेकिन आपको फील आ गई कि आपको टक्कर दे सकते हैं। हाँ वाह वाह। ये बाबा जी यूपी से? यूपी। यूपी से। दोनों मेरे दोस्त बन गए, ये भी दोस्त बन गए, ये भी दोस्त बन गए। शहाब भाई हमारे सामने सामने आगे से जा रहे हैं, तो ये कुछ बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, इनको मेरी फ़ोटो चाहिए मेरे साथ। तो फोटो चाहिए, तो मैंने इनको कहा इनको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। अब लोग बनोगे मेरे दोस्त? यस। पक्का बनोगे? हाँ। तो बन जाओ ना। बन गए? मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे दोस्त बन गए हो? तो वो तो इंस्टाग्राम पे बनोगे, मुझे लाइव दोस्त बनना है आपने। आपका लाइव दोस्त कैसे पता चलेगा कि आप मेरे दोस्त बन गए हो? वापिस आप इंतजार करोगे? हाँ। वो अभी थोड़ा होता है। दोस्त का कैसे पता चलता है कि दोस्त बनता है? दोस्त से तो पता चलता है कि वो फोन से बात करे और हाथ मुझे मिला के, जब दोस्त का पता चलता है कि दोस्त। अच्छा नहीं, अभी आप सारे मिल के मुझे गले लगाओगे तो मैं तब मानूंगा कि आप मेरे दोस्त हो। एक ही बार इकट्ठे एक ही बार मिल के अगर आप मुझे गले लगाओगे तो मैं मानूंगा क्या मेरे दोस्त। हाँ तो गले लगाओ ना सारे मिल के, सारे आप नहीं बन रहे हो। तो सारे मेरे दोस्त बन गए, सब ने मुझे गले लगाया, आप मैं फोटो आपको दे दूंगा, ठीक है? चले ओके थैंक यू। ये जो पैदल यात्राएं होती हैं ये देश को एक करने का काम करती हैं। इसमें सब मजहब के लोग आकर उत्सुकता से इनसे मिल रहे हैं। ये हज को जा रहे हैं लेकिन यहाँ मजहब से कोई मतलब नहीं है, दूसरे मजहब के लोग भी आके इनको मिल रहे हैं, इनको उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसे ये केरल से चले हैं, हम राजस्थान के हैं, आप ब्लॉग बना रहे हैं, आप किसी और स्टेट के हैं, लेकिन इन्होंने पूरे भारत को जैसे एक कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की यात्राएं जो है ये बहुत हमारे देश को एक करने का काम भी करती हैं, और अल्लाह इन्हें कामयाबी दे और हमारे देश में शांति बनी रहे, यही मैं। ये है हमारा भारत, ये है हमारा इंडिया। आपका नाम? मेरा किशन सुतार। दोबारा बोलो। किशन सुतार। सुन लेना। आपका? मेरा मनोज कुमार। मनोज कुमार,
सुनने वाले देखने वाले ध्यान से सुनना था। अभी क्या पूछ रहे थे आप मुझे? जी हम वो जो मक्का मदीना जा रहे हैं अपने केरला से भाई, उनको देखने के लिए यहाँ पहुँचे, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर से उनके दर्शन करने हम आए हैं। उनके दर्शन करने हैं 30-40 किलोमीटर। सलाम आपको इस चीज़ के लिए। ऐसे ही सारी दुनिया करेगी तो सब ठीक हो जाना है। कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो आप ये मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि कहाँ पे है शिहाब भाई, तो मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा पहले इनसे मैं बात करूँगा तो फिर रिप्लाई करूँगा। यहाँ से आगे 1 किलोमीटर चल गए होंगे, 1.5 किलोमीटर में पीछे रह गए हूँ, बच्चों से बातें चाते करता। आप 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके, साइड पे रहना प्लीज, साइड पे रहना। आप कहाँ से? जानगढ़ से चल रहा हूँ सबके साथ। कैसा महसूस हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी दूर तक जाएंगे सर के साथ। ऑल द बेस्ट या भाई, या भाई के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट क्या भाई के लिए, बहुत दुआ है, दिल से दुआ है, अल्लाह उनका सम्मान करे। वो इमरान की कंट्री वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट तक आगे लाया। अभी मैं शाह भाई का दीदार करवाने से पहले मैं इनका बताता हूँ आपको। आपका नाम क्या है? नाम मर्द खत्री है साहब। मर्द खत्री। दूसरा नाम क्या है? दूसरा इलियास खत्री। तो मर्द खत्री से क्यों आपको बुलाते हैं? मर्द खत्री वो डिक्लेयर हो गया, फेमस हो गया साहब। फेमस हो गया? फेमस कैसे हो गया? जैसे वो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी नी, उस दौर के अंदर वो फेमस हो गया नाम। वैसे ओरिजिनल नाम इलियास है साहब। आपको मर्द खत्री क्यों बोल रहे हैं? बस वो फेमस हो गया नाम। कैसे फेमस हुआ? फेमस मैंने जो छुरी से वो लिखा था उस टाइम में, बकरे वाली छुरी से लिखा था। हाँ लिखा था। हाँ कुरेशी हूँ, मेरे गांव के अंदर लिखा था, सुजान के अंदर। मर्द खत्री कहाँ लिखा था? छाती पे लिखा था मैंने साहब। अभी भी लिखा हुआ है? हाँ वो अभी तो गया छाती के अंदर है नहीं, बड़ा हो गया नहीं। okay. इसीलिए दब गया। okay. पहले गया छोटा था, इसीलिए डॉक्टर को मेरे को बोला था कि अगर इतनी सीने की चमड़ी उतारे तो आज भी तुम्हारे सीने के अंदर नाम है, हड्डियों के अंदर। अच्छा आज भी लिखा होगा? हाँ मैं मर्द खत्री है। मर्द खत्री वैसे डिक्लेयर हो गया साहब नाम, और क्या है। बिल्कुल जी, आप लग रहे हैं मर्द खत्री, आप लग रहे हैं। वैसे नाम ओरिजिनल। ओके ओके ओके, कहाँ से आप? सुजांगड़ी जी साहब। बहुत बहुत साहब धन्यवाद आपका। थैंक यू। एक काम आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल आपका है, आप मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हो, मैं आपका, आप मेरे, हमारी एक अच्छी फैमिली बन गई है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो यार, आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए हो। छोटा सा काम करना है आपने, शेयर पे क्लिक करके वीडियो देखते देखते नीचे शेयर लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे, कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, लिंक को कॉपी करके अपने अपने सारे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। मैं देखता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग है, अभी मुझे पता चलेगा। कल और परसों के दिन में, दो दिन में मुझे 50K करने ही करने हैं, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 50K आपने करवाना है, अगर 50K हो गए मैं मानूंगा मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। फिर एक और छोटा सा टास्क दूंगा आपको, वो मैं पहले देखूंगा 50K आप दो दिन में करवाते हो या नहीं करवाते हो। सो चलिए अभी मैं शिहाब भाई को आपका दीदार करवाता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आगे। ये पब्लिक है छापर, छापर जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट वही है चूरू, चूरू डिस्ट्रिक्ट। हम सुजानगढ़ से निकल के आगे आगे छापर की पब्लिक वेलकम कर रही है शिहाब भाई का। तीसरी बार दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, और आपको एक काम दिया है, तीसरी बार दिखा रहा हूँ शिहाब भाई को, और आपको एक काम दिया है, वो आपने आज करना ही करना है। दो दिन में देखता हूँ जरा, मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, ये बस वीक्स ही ऐसे देखने वाले हैं। बना
क्यों करे आप क्या? हाँ, इसलिए मैं मौलाना मुमताज अली शाह कादरी वरिष्ठ प्रभारी एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया, हम इसलिए खड़े हैं कि केरला से चल करके मोहम्मद शहाब चतुर जो हज की पैदल यात्रा कर रहे हैं 8,640 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, ये उनका उनके ऊपर अल्लाह का करम हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सफर को आसान बनाए और उनके हज को कामयाब करे। और यहाँ भाई को मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ जा करके दुआ करें कि हमारे देश में अमन और शांति कायम हो। अच्छा जनाब, फाइनली मेरी उस जगह पे एंट्री हो गई है, उस जगह में पहुंच गया हूँ जहाँ पे शहाब भाई स्टे करने वाले। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताता रहता हूँ कि मुझे जगह का नाम याद नहीं रहता है, तो जो भी ऑडियंस होती है, जो भी बंदे होते हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछता हूँ। जनाब आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी, क्या जगह का नाम है यहाँ पे? ताल छापर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ताल छापर डिस्ट्रिक्ट वही चूरू है? डिस्ट्रिक्ट है, हाँ चूरू है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। और होटल का नाम क्या? होटल तेजा गार्डन। तेजा गार्डन, होटल का नाम तेजा गार्डन, जगह का नाम क्या? चूरी ताल छापर अभी, ताल छापर, ताल छापर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम चूरू डिस्ट्रिक्ट, यही है। तो पब्लिक वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, बात चलते चलते बात करेंगे। शहाब भाई भी पहुंचने वाले, हम एडवांस में आ गए थे, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि राजस्थान का डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने प्यार दिया। अभी मेरे साथ कुछ भाई जान है यहाँ पे। आपका नाम? महमूद। आप ये सूट बूट लगा के आए हो शहाब भाई का स्वागत करने के लिए? हम यहाँ शादी में आए हुए थे, तो पता चला कि शहाब भाई आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर सोचा देख ले शहाब भाई को। कैसा फील हो रहा है आपके शहर में, आपकी जगह में आए? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि शहाब भाई हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का मानना है कि हाथ मिलाना, हाथ मिलाना, हाथ मिलाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हाथ वात मिलाना कोई जरूरी नहीं है, हम देख ले, हमारे लिए वही बड़ी बात है। यही मैसेज आपको पब्लिक को भी दे दो आप। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी शहाब भाई को देखना चाहते हैं वो दूर से देखें और एहतियात बरते। हाँ बिल्कुल, हाथ मिलाने से प्रॉब्लम, कितने बंदों को हाथ मिलाएंगे? अच्छा, फाइनल अपडेट मैं बता देता हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं भूल जाता हूँ, ये फ़ोन पे लिखा मैंने कि कहाँ पे अभी आए हैं। तो छापर जगह का नाम है, सॉरी वेट वेट, छापर जगह का नाम है तेजा गार्डन, होटल का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूरू है, और तहसील रतनगढ़ है, और आज इन्होंने अभी सेकेंड शिफ्ट का सफ़र जो शुरू किया उन्होंने, वो किया सुजानगढ़ से। बस यही था आज की वीडियो में, और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको पहले बताई थी, मुझे 50K दो दिन में चाहिए ही चाहिए। YouTube आपका है, मेरा नहीं है, आपका चैनल है, आप मेरी फैमिली हो, तो दो दिन में मुझे 50K करवाने ही करवाने हैं। कल का दिन है, परसों का दिन है, और मैंने आपको टेक्निक भी बताई। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान, साथ में मेरा ध्यान भी रखें। खुदा हाफिज़।